हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल धर्म ज्ञान का मार्ग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या का अद्भुत संयोग बन रहा है, और सावन का सोमवार तो है ही, तीन तीन शुभ संयोग बन रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो आपके भाग चमक जाते हैं। दोस्तों, सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस बार अमावस्या 17 जुलाई 2023 सोमवार के दिन हो रही है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन पौधा लगाना अति शुभ माना जाता है। यदि आप भी इस दौरान यह 5 पौधे में से कोई भी एक पौधा अगर लगा लेते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, पहले हम आपको बता दें, सबसे पहली बात है कि नीम का पौधा जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मंगल के सभी दोष दूर हो जाते हैं, जीवन में मंगल ही मंगल रहता है। तो इस दिन हो सके तो आप नीम का पौधा अपने अगल बगल में जहाँ भी जगह हो वहाँ पर अवश्य ही लगाइए। अगर नहीं है तो कहीं पर भी जा कर के आप कहीं सड़क के किनारे ही लगा दें। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे ही हमारा भाग चमकता है। दोस्तों, पीपल का पौधा, कहीं पर भी पीपल का पौधा लगाएं, इससे बृहस्पति का दोष दूर होकर सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक लंबी आयु को प्राप्त करता है। तो आप कहीं पर भी पीपल अवश्य लगाएं, जहां पर भी जगह हो वहां पर देख के अपने हाथ से एक पीपल ज़रूर लगाएं। दोस्तों, आंवले का पौधा, इसका पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना गया है। कई औषधीय गुण भी इसमें भरपूर होता है, जैसे कि हम जानते हैं, और इसका पौधा भी लगाना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी ने भी इस पौधे की पूजा की थी, तो आपको इस पौधे को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पौधे 5 लगाएं, 10 लगाएं, नहीं, आपको कोई भी एक पौधा लगाना है। दोस्तों, बेल का पौधा यानी बेलपत्र का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यदि आपने बेलपत्र के पेड़ को घर के आसपास लगा लिया तो आपको कई तरह के फायदे होंगे। बेलपत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसे अपने घर के आसपास होने से धन समृद्धि के योग बनते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण या वृक्षारोपण का बहुत महत्व है। आम, आंवला, केला, नींबू, तुलसी, पीपल, बट वृक्ष और नीम के पौधों को रोपण करें, विशेष महत्व बताया गया है। इन सभी पौधों का वृक्षारोपण करके ग्रह नक्षत्र और पितृदोष शांत हो जाते हैं। इसमें से आप कोई भी एक पौधा अगर अपने आसपास भी अगर लगा लेते हैं तो इससे क्या होता है कि पितृदोष भी शांत हो जाता है और हमारे जीवन में, यानी कि पेड़ पौधे हमारी आस्था के साथ ही हमारे जीवन शक्ति से भी जुड़े हुए हैं। मान्यता अनुसार अलग अलग पेड़ पौधे में विभिन्न देवताओं का भी वास माना गया है। ज्योतिष के अनुसार जिन नक्षत्रों में पौधारोपण करना शुभ होता है वे इस प्रकार हैं, जैसे कि रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा, भाद्रपदा, अनुराधा, पुष्य, चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी, सावन, हस्त विशाखा, मूल और आश्विनी। अतः इस दिन इनका पौधारोपण या वृक्षारोपण करना अति शुभ माना गया है। पीपल, नीम, बेल, नागेश्वर, गुड़हल और अश्वगंधा संतान प्राप्ति के लिए, ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूर्यमुखी, तुलसी आरोग्य के लिए, अशोक, अर्जुन, नारियल और बट वृक्ष ऐश्वर्य और सौभाग्य के लिए होता है। आंकड़ा, शंख पुष्पी, पलाश, ब्राह्मी और तुलसी बुद्धि के लिए। नीम का पेड़ जो है, नीम, कदम और घने छायादार वृक्ष सुख प्राप्ति के लिए। हरसिंगार, परिजात, रात रानी, मोगरा, गुलाब आनंद के लिए। तुलसी, आंवला, केला, बेल का वृक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अतः सावन या हरियाली अमावस्या के दिन उपरोक्त
पौधारोपण करके इनकी नियमित देखभाल करने से हर दिशा से अपार धन की प्राप्ति आप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे माना जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप पौधा जो है लगा दिए और उसको छोड़ दिए, उसको उसका देखभाल भी करना हमें बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा करें कि उसको अच्छा से घेर दें कि कोई पक्षी ना खाए, यानी कि कोई जानवर ना छुए उसको। ऐसा करें कि वो लग जाए और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे ही हमारा भाग्य भी बड़ा होता है, ऐसा माना जाता है और ऐसे शास्त्र में भी लिखा है। तो आप लोग इस दिन इसमें से कोई भी एक पौधा ज़रूर लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।